सलमान और कटरीना की रियल लाइफ जोड़ी तो सभी को पसंद है, उनकी फिल्म भारत भी बहुत जल्द आने वाली है जिसके लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन उनकी रियल लाइफ जोड़ी कितने लोगों को पसंद है और क्या सलमान को कटरीना से शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, ये रिएक्शन लेने के लिए मैं ऑडियंस आई हूँ। तो चलिए ऑडियंस से और उनके फैंस से पूछते हैं कि क्या सच में उन्हें शादी कर लेनी चाहिए या फिर नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द भारत फिल्म आने वाली है सलमान और कटरीना की, और उनकी जोड़ी को ऑडियंस एनी विच वेज बहुत पसंद करती है, तो आपको उनकी जोड़ी कितनी पसंद है? मुझे सलमान के साथ कैटरीना बहुत अच्छी लगती है, और आज से नहीं भारत अभी आने वाली है उसके लिए एक था टाइगर जिंदा है, सब में मुझे सलमान के साथ कैटरीना बहुत अच्छी लगी और उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं ईद के लिए, तो आई लव बोथ। जोड़ी अच्छी है उनकी, मतलब दो अच्छी खासी मूवीज दी है उन्होंने, तो जोड़ी क्वाइट गुड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने कल ही पढ़ा कि 26 जनवरी को उनका उसका टीज़र आ रहा है और मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही वो पढ़ के। हाँ इंदुल, ये लोग मूवी में एज लाइक अच्छे लगते हैं, बट मुझे नहीं लगता एज लाइक ये रियल लाइफ में भी अच्छे लगेंगे, बट हाँ मूवी एज लाइक इनकी इन दोनों की तो हिट रहती है, ऐसा कोई भी रहता है इन दोनों की जोड़ी तो जैसे लगता है मेड फॉर ईच अदर, नॉट फॉर एज लाइक मूवी में सिर्फ लगते हैं, उसके अलावा नहीं लगते कि हाँ वो लोग अपने रियल लाइफ में भी लगे। अगर मैं उनकी बात करूँ जोड़ी की, तो आपको लगता है सलमान को कटरीना के साथ रियल लाइफ में ही शादी कर लेनी चाहिए? अब जरूर कर लेनी चाहिए और आई थिंक होने भी वाली है, नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर वो उनकी शादी उनसे हो जाएगी, और बिकॉज सलमान ने इतना वक्त किसी मतलब किसी एक्ट्रेस को दिया है या किसी उनकी गर्लफ्रेंड को दिया है, तो वो कैटरीना को ही दिया है, और वो कोई मतलब शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी कि सलमान कैटरीना से शादी करेंगे, करने वाले हैं जो कि जरूर करने वाले हैं और करेंगे भी जल्दी। नहीं, आई थिंक कटरीना कैन डू बेटर। कटरीना कैन डू बेटर, क्यों ऐसा लगता है? सलमान से तो बेटर ही कर सकती है वो, मतलब काफी प्रिटी है, काफी ब्यूटीफुल है। लेकिन उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है, बॉक्स ऑफिस पर भी दोनों की फिल्में काफी हिट होती हैं, तो आपको नहीं लगता उन्हें शादी करनी चाहिए? शादी तो नहीं करनी चाहिए, बॉक्स ऑफिस पे ही जोड़ी बनाए रखे तो बेटर है। तो अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, रियल लाइफ में तो ऑफकोर्स दोनों हिट है, रियल लाइफ की अगर बात करूँ तो आपको लगता है सलमान को अब कटरीना से शादी कर लेनी चाहिए? नहीं नहीं, सलमान सिंगल अच्छा है, हम लोग जैसे सिंगल लौंडों के लिए नहीं, लेकिन क्यों, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और काफी टाइम से साथ में, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में, मतलब वो दिखती है स्क्रीन पे पर रियल लाइफ में कैसी अंडरस्टैंडिंग है वो मालूम नहीं ना। तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ नहीं करनी चाहिए शायद तक। अगर मैं सलमान और कटरीना की बात करूँ, तो सब उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन भी पॉपुलर है, ऑफ स्क्रीन भी पॉपुलर है, तो आपको लगता है उनको शादी कर लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि कटरीना की हाइट काफ़ी बड़ी है सलमान से, तो मेरे हिसाब से सलमान को कोई अपनी हाइट वाली ढूंढनी चाहिए। लेकिन अब नहीं मिलेगी अगर उन्हें कोई, तो उनके हिसाब से आई थिंक कटरीना इज परफेक्ट। अरे कैसे नहीं मिलेगी, उनके लिए तो पूरा भारत रेडी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लगता मुझे कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। क्यों, लेकिन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। हाँ ऑफ कोर्स जोड़ी अच्छी है, बट नहीं मुझे, मैं कैटरीना का ऑफ कोर्स मैं मतलब एज लाइक स्टार्टिंग से मैं उसको जानता हूँ, मुझे नहीं लगता एज लाइक कि कैटरीना को सलमान से शादी करनी चाहिए। हाँ मूवी के लिए साइन करें अच्छी बात है, बट शादी नहीं करनी चाहिए। तो यूलिया के बारे में आपका क्या कहना है? यूलिया मुझे नहीं पसंद यार, सलमान के साथ यूलिया नहीं पसंद। हाँ कुछ लोग हैं जो सलमान की गर्लफ्रेंड बताते हैं यूलिया को, बट मुझे सलमान के साथ कैटरीना ही अच्छी लगती है।